नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 22 अगस्त का करेंट अफेयर। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कहता है दोस्तों, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर डी शोभा राय बर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो 17वें नंबर का हैं, जो 17वें नंबर का हैं। शरद अरविंद बोबड़े जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 47वें नंबर के हैं। शोभा राय बर्मन जो महालेखा नियंत्रक है, CGA हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कहता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी नवी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता दोस्तों, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है। ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी गजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, हाल ही में MPEDA ने कहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी कांडला, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी पोरबंदर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी पोरबंदर। इसका स्थापना 1972 ईस्वी के हुआ था, गुजरात, पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ का CM विजय रूपानी है, यहाँ का राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है, निम्न में कौन सा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय क्षय ऊर्जा दिवस, ऑप्शन नंबर बी सद्भावना दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व मानवता दिवस, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यह राजीव गांधी के पुण्य अवसर पर मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, हाल ही में कैबिनेट में राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी का गठन किया है, यह कौन सी परीक्षा करवाएगी। ऑप्शन नंबर ए RRB, ऑप्शन नंबर बी IBPS, ऑप्शन नंबर सी SSC, ऑप्शन नंबर डी और। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, हाल ही में भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर डी मिलिंद सोमन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। इसका संस्थापक दोस्तों जेम जेनर्ड हैं,
इसका स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कहता है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान किस देश में हैं? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट COVID-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन कहता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता को मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। डेनमार्क एक नंबर पर रहा है, स्वीडन दो नंबर पर रहा है, कनाडा तीसरा नंबर पर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।